शायद यहाँ पे बाउंड्री मिल जाएगी जी हां चार रन का इशारा आता हुआ प्रेजेंटेशन आपने देखा कैप्टन टीम के लीडर उन्होंने फ्रंट से लीड किया महावीर जी को इमर मैच का अवार्ड गया गेम चेंजर गेम चेंजर ओपोनेंट को अमित को गया लापोत की टीम से कैप्टन ने कहा उनके कि बहुत सारी चीजें सीखने को इस मैच में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जब बॉलर रनअप के लिए स्टार्ट हो जाए तो हो सके तो वहीं पे साउंड वाले जो भाई हैं वो म्यूजिक आप वहीं पे स्टॉप कर दें कुछ युवा सितारों से सजी हुई ये दोनों ही टीमें घानेर स्पोर्ट्स ग्रुप की जब जब आप बात करें मैं मुंबई में भी जब जब इस टीम को देख रहा था ये यंगस्टर्स काफी इस टीम में आपको नजर आएंगे मांडोली पेंथर्स इनके सामने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन मांडोली का और इस डिसीजन को कुछ इस तरीके के रन आएंगे तो कप्तान बहुत खुश होंगे कि चलिए हमने बैटिंग लिया अच्छा किया बाउंड्री का इशारा चार रन मिलेंगे आसानी से रन पे नज़र डालेंगे दोस्तों तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद पहला ओवर ही हुआ है ना एक वरी, एक ओवर खत्म सो फर्स्ट ओवर के बाद थर्टीन रन तेरे रन बन चुके हैं सलामी उम्मीदें सलामत हैं टीम मांडोली पेंथर्स की और यहां से कुछ आगे की कहानी कुछ दास्तान कुछ ओवर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं गोपी भाई से गोपी साहब आओ हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो ठीक तो शुक्रिया आलोक फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हम देख रहे मारवाड़ कप टू पॉइंट जीरो

और इसी चार रनों की मदद से रन संख्या अठारह रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर भाबेन इस समय की एंड पर अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था बैकवर्ड लेग में वहां पर फील्डर मौजूद है जब तक की गेंद को फील्ड कर रहे इस बीच एक रन मिलता हुआ घनेराव स्पोर्ट्स ग्रुप बनाम मांडवली पैंथर्स के बीच में चलता हुआ यह मैच मांडवली पैंथर्स ने टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इस समय की दोनों बल्लेबाज अनुज और उनके साथ में भाविन और विपुल शाह इस समय गेंदबाजी मोर्चे पर है दूसरा ओवर था वाली गेंद थी सही नसीहत जैसे कि मिला पुल किया गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती नसी बेहतरीन चौका अथवा शानदार चार रन काफी संतुलन में थे आखिरी मोमेंट गेंद को देखा पड़ा उसके बाद की जड़ा और ये चौकाता हुआ काफी शानदार चौका चौके के मदद से तेईस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर आज के दिन का ये लगभग तीसरा मैच गेंदबाज बीपुल फिर से एक बार ईश्वर के अगली गेंद बैकफुट पर चलकर कट करने का प्रयास था गेंद हवा में फील्डर वहां पे मौजूद थे और इसी के साथ पकड़े गए इसके पहली गेंद पर चौका था फिर से मन बना लिया था पॉइंट के ऊपर से खेलने का कबर पॉइंट में फील्डर थे उन्होंने काफी शानदार तरीके से गेंद को लपका इसी के साथ विकेट गिरता था शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू फिर से एक बार आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर अच्छी गेंद थी बैकफुट पर चले गए थे उसके बाद की कवर और पॉइंट में के बीचों बीच खेलना चाहते थे लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद थे उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से गेंद को लपका काफ़ी शानदार फील्डिंग और उसके बाद की विकेट का पतन तेईस रन एक विकेट के नुकसान पर विपुल शाह लेफ्ट मोड़ दी विकेट से और पिच गेंद थी ब्रोकॉल में गेंद डालने का प्रयास था हल्की हाथों से गेंद को स्टीयर किया पॉइंट क्षेत्र में गेंद जाती हुई लगभग सिंगल मिलती हुई और इसी सिंगल की मदद मतलब से अब चौबीस रन अच्छी शुरुआत है आगाज अच्छा हो चुका है विल बी हाफ डन अच्छी शुरुआत आपका आधा काम पूरा कर देती है और तो इस समय अगर चर्चा करेंगे तो दोनों बल्लेबाज के बीच में काफी शानदार शुरुआत हो चुकी थी उसके बाद बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में बल्लेबाज आउट हो चुके थे एक विकेट जा चुका है 24 रन दो ओवर का खेल समाप्त करंट रन रेट की अगर चर्चा करेंगे बारह रनों के ऊपर है भारत के औसत से अब तक की स्कोर को, स्कोर कार्ड को हम देख रहे हैं चौबीस रन एक विकेट के नुकसान पर अब दो ओवर का खेल समाप्त आने वाली ओवरों का खेल अभी भी, भी शेष है मारवाड़ कप दो प्राइड ऑफ मारवाड़ पावर्ड बाय रनावध ग्रुप राव स्पोर्ट्स ग्रुप बनाम मांडवली पैंथर्स के बीच में चलता हुआ मैच अरउंड विकेट से गेंद डालती हल्के गेंद को कट करना चाहते थे और उसके बाद की गली रीजन में गेंद जाती हुई पर फील्डर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे इस बीच एक रन था 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 था। रन संख्या पच्चीस रन एक विकेट के नुकसान पर करण गांधी और उनके साथ में भाविन ओसवाल भाविन ओसवाल स्ट्राइकिंग गेंद पर आगे निकल चुके थे गेंद को कट किया वहां पर फील्डर मौजूद है कैच का मौका था कैच छूटा हुआ क्या छूटा मुकद्दर उठा उसके बाद की एक रन मौका बना था मौका बना था अब गलती हो रही है दूर वाली छोर से अगर चर्चा करेंगे डिप में थे वहां से गेंद के पीछे भाग रहे थे उसके बाद की प्रयास अच्छा था गेंद हाथ से निकल गई इस बीच रन मिलते हुए केवल मात्र एक रन मिलता हुआ एक रन के साथ स्पेशल छब्बीस छब्बीस रन बड़ा स्ट्रोक आगे डालने का प्रयास था स्लॉट में गेंद गेंदी गेंद हवा में वहां पर फील्डर मौजूद है इस समय पकड़े गए और यहां पर छोड़ने वाले नहीं है काफी शानदार कैच था विपुल शाह ने पकड़ा है कैच विकेट गिरता गॉन है खड़ा है जो है जोश से भरा है छत्र शुक्रिया, शुक्रिया एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर जिस प्रकार से गेंद को खेला था अच्छा सम्पर्क उतने बाद की उसके बाद की काफी समय से गेंद हवा में थी एक पर आगे था उसके बाद की बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास डीप मिड विकेट रीजन में फील्डर मौजूद थे उन्होंने आखिरी मोमेंट तक गेंद को देखा था उसके बाद की जल्लोश देखिए आपके स्क्रीन पर गेंदबाज का जल्लोश ये महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ छब्बीस के ऊपर दूसरा विकेट गिरता हुआ गॉन हर्ष के खाते में ये विकेट जाता हुआ छब्बीस के ऊपर दूसरा विकेट अब थोड़ा सा माहौल चेंज होता हुआ इसके पहले की जल्लोचता अब बल्लेबाजी वाली टीम यानी कि मांडवी पैंथर्स के खामे में खेमे में इस समय की थोड़ा सा मायूसी वाला वातावरण देखने को मिलता हुआ अब नए बल्लेबाजी चैतन्य उनके साथ में भावीन चैतन्य के लिए गेंद थीठी पकाड़े के बाद विकटों से बाहर जाती हुई हल्का सा अपील अंपायर का अंपायर ने इस अपील को नकारा उसके बाद कि सुरक्षित रहेंगे बिंदी गेंद अब थोड़ा सा दबाव जरूर होगा अब थोड़ा सा जब दबाव जरूर होगा इसके पहले की गेंद पर विकेट जा चुका है छब्बीस के ऊपर दो विकेटें और उसके बाद की तीसरे ओवर का खेल इस समय की जारी है चैतन्य स्ट्राइकिंग गेंद पर फिर से बड़े स्ट्रोक के लिए खेलना चाहते थे बॉटम हैंड के सहारे से कवर एक्स्ट्रा कवर कवरिजन में खेलने का प्रयास था गेंद थोड़ी नीचे थी और इस गेंद को समझ नहीं पाए गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बिंदी गेंद रनों की कोई गुंजाइश नहीं और एक बिंदी गेंद लगातार की दो गेंदे बिंदी इस ओवर में काफ़ी शानदार गेंदबाजी काफ़ी शानदार तरीके से इस गेंदबाजी में परिवर्तन किया और उसके बाद की लगभग दो रन खर्च किए फिर हाथों तो गेंदबाज का है।, है मैं छक्का कैसे मारू गेंद को समझ नहीं पा रहे रिड नहीं कर पा रहे उसके बाद की बेहतरीन गेंदबाजी अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे उसी के साथ अब यह तीसरा ओवर समाप्त होता तीन ओवर के समाप्ति के बाद छब्बीस रन दो विकटों के नुकसान पर अब गेंदबाजी के लिए निखिल लोढ़ा जो कि गेंदबाज के रूप में रहेंगे चैतन्य बाफना तीन गेंदे अभी भी कोई रन नहीं है दूसरी तरफ भाबे नोसवाल अच्छी पारी खेल रहे छह गेंदे उसके बाद की तेरह के ऊपर खेल रहे गेंदबाज निखिल फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीलियत उसके बाद की अगर चर्चा करेंगे लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा आगे बुलाया गया उसके बाद की लॉन्ग ऑन है अच्छा का फोर काफी शानदार स्ट्रोक आता हुआ काफी शानदार चौका ये फोर आता हुआ और इसी फोर की मदद से अब दिल मांगे मोर काफी शानदार चौका शुक्रिया डीजे थैंक यू इसी चौके के मदद मतलब से अब तीस रन फिर से एक बार निखील गेंदबाजी के लिए तैयार आउट साइडी ऑफ स्टम गेंद को फॉलो करना चाहते थे टीपा खाने के बाद सफल हो चुके थे उसी कारण इस गेंद को समझ नहीं पाए और गेंदबाज ने जिस प्रकार से फॉलो किया था सफल हो चुके थे भरपूर सफल हो चुके थे उसके बाद की फॉलो किया बिंदी गेंद पहली गेंद पे चौका चौके के साथ स्वागत किया था फिर से एक रोजी लाइन खेलने का प्रयास था और इस समय एक रन का प्रयास जरूर है जब तक कि गेंद लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में जाती हुई वहां पर फील्डर पहुंच रहे गेंद के ऊपर थ्रो कर रहे हैं इस बीच दो रन काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी दो रन के मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन दो विकेटों के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर जारी है अब तक की दो विकेटे काफी जल्दी जा चुके है लेकिन उसके बाद की एक अच्छी पारी खेलते हुए अब थोड़ा सा दबाव खराब गेंद खराब लाइन उसके बाद के पर का वाइड का करार और व्हाइट के साथ एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ 33 रन दो विकेटों के नुकसान पर फिर से एक बार इस ओर की अगली गेंद आउटसाइड ऑफ समझा के जाके खेलना चाहते थे और इस समय भी गेंद को समझ नहीं पाए अच्छी गेंद काफ़ी शानदार वापसी गेंदबाज के द्वारा निखिल जो कि गेंदबाजी कर रहे कोई मौका नहीं है बल्लेबाज के पास लगातार बीट होते हुए इस के अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार अब लाइन से भटक रहे अतिरिक्त टर्न करना चाहते थे गेंद को हम का सिग्नल वाइट बॉल का एक अतिरिक्त रन इस ओवर में अब तक की रन खर्च की है छ रन उसके बाद की चार बिंदी गेंदे फिर इसे आगे डालने का प्रयास वाइट की और करती है हल्का अपील होता हुआ और हम पैर का करार आता हुआ थोड़ा सा दबाव डालने का प्रयास जरूर किया है लेकिन हम पैर ने न करा उसके बाद की ये बिंदी गेंद अब तक की काफी शानदार कम बैक पाँच गेंदे और उसके ऊपर आठ रन खर्च किए तो सर से जरूर से है ऑन साइड के क्षेत्र में वहाँ पर फील्डर मौजूद है वो बन जाएंगे दर्शक दर्शक बन जाएंगे दीवानी गिनका के, के बाहर काफी शानदार चौका था वह काफ़ी शानदार लाइन आगे डालने का प्रयास था गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था उसके बाद की गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई लगभग इस गेंद पर विकेट गिरता हुआ आगे जाकर खेलने का प्रयास कदमों का गलत इस्तेमाल उसके बाद की कॉट बिहाइंड विकेट के रूप में विकेट गिरता हुआ गॉड आईडी को थैंक यू इकतालीस तीन विकेटों के नुकसान पर पांचवें ओवर का खेल इस समय की जारी हम देख रहे मारवाड़ कप दूसरा वर्जन प्राइड ऑफ फॉरवर्ड पावर्ड बाय रनावत ग्रुप और आज का दूसरा दिन दूसरे दिन में चलता भाई ये तीसरा हाई वोल्टेज मैच एक तरफ की घाटी राव स्पोर्ट्स ग्रुप और उनके खिलाफ

का खतरा जरूर था लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट की तारीफ होगी जिस प्रकार से विकटों के बीच में दौड़ लगाई थी देखा था फील्डर डीप में मौजूद है हल्के तो उसे गेंद को ऑन साइड में गाइड किया था एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए पलट निकल चर उस गेंद को सही नसीह देते दे हुए दे दो रन पूरे किए दो रन के साथ अब रन संख्या आगे निकलती हुई कुल मिलाकर चवालीस रन चार विकेटों के नुकसान पर पांच ओवर का खेल समाप्त आने वाली तीन ओवरों का खेल अभी शेष है हम देख रहे हैं जिस प्रकार से मारवाड़ कप टू पॉइलो ये दूसरा वर्जन प्राइड ऑफ मारवाड़ बाय रनावत ग्रुप काफी शानदार माहौल और आज का दूसरा दिन दूसरे दिन में चलता हुआ एक हाई वोल्टेज मैच घनेराव स्पोर्ट्स ग्रुप बनाम मांडवली पैंथर्स के बीच में गेंदबाजी के मोर्चे पर ओवर नंबर छठा यहाँ पर आरंभ होगा और छठे ओवर के लिए गेंदबाज हर्ष हर्ष सकारिया अच्छे गेंदबाज यंगस्टर खिलाड़ी इनके पास क्षमता काबिलियत और गेंदबाजी के मोर्चे पर अराउंड विकेट से पहले गेंद आउटसाइड कर डालना चाहते थे बल्ले का फेस ओपन किया कवर पॉइंट में खेलना चाहते थे गेंद को वहां पर फिल्डर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड रहे इस बीच एक रन और इसी एक रन की मदद से अब रन संख्या पैतालीस रन चार विकेटों के नुकसान पर काफी शानदार लाइव टेलीकास्ट उसके बाद की हर एक चीज काफी शानदार तरीके से देखने को मिलती हुई इस टूर्नामेंट में ईशर की आगरी गेंद टिप पकाने के बाद रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी आगे निकल कर खेलने का प्रयास था गेंद को कट किया था के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद और इस गेंद पर कोई जवाब नहीं था कदमों का इस्तेमाल सही नहीं था उसके बाद की बीट हो चुके हैं और ये गेंद जाती हुई बिन्नी रनों की कोई गुंजाइश नहीं पैतालीस रन चार विकेटों के नुकसान पर हर्ष अच्छी गेंदबाजी करते हुए लाइन उड़ाया है गेंद को काफी शानदार संपर्क लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे काफी शानदार तरीके से गेंद को लपका विकेट गिरता बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था आखिरी मोमेंट गेंद को देखा उसके बाद किए काफी शानदार कैच विकेट गिरता हो छतु शुक्रिया डीजे और एक विकेट गिरता हुआ बड़ा विकेट बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है बड़ा शिकार होता हुआ ऑन साइड के क्षेत्र में स्क्वेयर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास था हालांकि गेंद हवा में स्क्वेयर लेग में वहां पर फिल्डर थे उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से गेंद को कैच किया और ये विकेट गिरता हुआ गॉन पैंतालीस रन पांच विकेटों के नुकसान पर अब डग में सन्नाटा है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मंडब्ल्यू पैंथर्स के द्वारा शुरुआत अच्छी रही थी लेकिन रेगुलर इंटर इंटरवर्स में अब विकटें जा रही है फिर से आप पम्पूल करने का प्रयास गेंद थोड़ी सी नीचे रही है उसके बाद की रन लेने का प्रयास नॉन स्ट्राइकिंग गेंद से अमित जैन ने किया था लेकिन इस गेंद को मयूर गांधी इस समय की समझ नहीं पा रहे उसके बाद की ये बिंदी गेंद पहली गेंद खेल रहे थे संतुलन में नहीं थे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर था कदमों का, का इस्तेमाल उतना अच्छा नहीं उसके बाद की ये बिंदी गेंद अब तक की अच्छी गेंदबाजी हर्ष के द्वारा बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास आउट साइड ऑप्शन भी गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास फील्डर वहां पर मौजूद और एक बड़ा झटका मिलता हुआ काउ कॉर्नर में फील्डर मौजूद थे विकेट गिरता हुआ सुमधुर संगीत बजता हुआ गॉन Yeah, I did it.

अब कहीं ना कहीं पर दबाव होगा अब डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा होगा अब सवाल जारी है अब सवाल जरूर है इतना सन्नाटा क्यों है भाई क्योंकि विकटे जा चुकी है पैंतालीस रन 6 विकटों के नुकसान पर अब यहां पर वापसी की जरूरत है

हम देख रहे हैं मारवाड़ कप 2023 का ये काफी शानदार और बड़ा प्रतियोगिता आज का दूसरा दिन प्राइड ऑफ मारवाड़ बाय बा ग्रुप आज डे टू और डे टू में चलता हुआ एक हाई वोल्टेज मैच एक तरफ है घनेराव स्पोर्ट्स ग्रुप और उनके बना मांडवली पैंथर्स के बीच में चलता हुआ मैच टॉस तो जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर दबाव है एक खिलाड़ी को इस समय आने वाली दो ओवर्स के लिए संकट मोचक बनने की जरूरत है क्या बन पाएंगे यह भी सवाल है लेकिन क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो इस जंगल का शेर कौन है आज के दिन में जरूर देखने को मिलेगा चलते बैक टू क्रिकेट अब सातवें ओवर का खेल यहाँ पर आरंभ होगा और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाजी आएंगे गेंदबाजी के लिए जीते स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहेंगे अमित जैन दो गेंदों के बाद दो के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे पॉइंट है उसके बाद की कबर पॉइंट इस बेशेश्वर की पहली गेंद बैक फुट पर चले गए थे कट करने का प्रयास था कैच का मौका था छोड़ दिया छूटा कैच पकड़ो कैच जीतो मैच कैचेस विन द मैचेस जिस प्रकार से कैच को छोड़ा है क्या आने वाले समय में मैच को छोड़ेंगे अब कहीं ना कहीं पर गलती हो रही है गलती होगी तो गाना बजेगा यही उम्र है पगले कर ले गलती से मिस्टेक गलती नहीं होनी चाहिए अच्छी गेंद थी फिर से आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास अब मौका है मौका बंद रहा है लेकिन इस समय भी गलती हो रही है दूसरी बार क्या है छुट्टावा जीवन दान मिल रहा है अब वापसी होगी किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है ये बहादुर खिलाड़ी है अपने आप को साबित करने के लिए जाने जाते हैं और इस प्रकार के खेल के लिए वो जाने जाते इस समय उसी प्रकार के खेल की जरूरत है रन संख्या पचास रन छह विकेटों के नुकसान पर दशा तक बीच मैदान में टीम का पूरा होता हुआ जीतेश ने काफी शानदार तरीके से जरूर मौका यहाँ पर निर्माण किया था उसके बाद की गलती हो रही है अब वाइड का करार मिस्टर एक्स्ट्रास के रूप में रन आते हुए अब दबाव कहीं ना कहीं पर गेंदबाज के ऊपर लगातार के दो मौके थे मौकों को गवा दिया उसके बाद की वाइड की गेंद रन से क्या इक्यावन रन छ विकेट के नुकसान पर जीतेश और दी विकेट से स्लोवर वाली गेंद थी गेंद को फिंगर रोल किए थे उसके बाद की एक रन पूरा क्या डीप में फील्डर मौजूद है दूसरे के लिए निकल चुके हैं जब तक कि गेंद को फील्ड कर रहे दो रन अच्छे संतुलन के साथ सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे मेरिट के ऊपर खेल रहे जैसी गेंद वैसी नसीयत सिंगल डबल से काम चला रहे उनको पता है इसके पहले कि उन्होंने ट्राई जरूर किया था लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं था गेंद सीमा रेखा की तरफ पहुंच रही थी उसके बाद जीवन दान मिला था और उसी के कारण अब सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे क्योंकि छ विकेटे जा चुकी है फिर से कदमों का सही इस्तेमाल करना चाहते थे आगे निकल चुके थे भी। के में जाती भी। एक रन मिलता हुआ एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ चौवन रन छिकेटो के नुकसान पर काफी शानदार माहौल क्रिकेट का ये बेहतरीन नजारा इस समय इसी मैदान के ऊपर चलता हुआ मारवाड़ कप दो प्राइड ऑफ मारवाड पावर्ड बाउट ग्रुप आगे निकल चुके थे ओवर दी बॉलर हड़े खेल चुके हैं डायरेक्ट हिट के लिए जरूर प्रयास किया था लेकिन उसके बाद एक अच्छी रन पूरी करते हुए दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ अब पचपन रन छह विकेटों के नुकसान पर गेंदबाज जी तेज गेंदबाजी के मोर्चे पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इनके पास क्षमता है जिस प्रकार से अनुभव है और अनुभव संपन्न खिलाड़ी माने जाते हैं और उस अनुभव के साथ अच्छी गेंदबाजी अब तक अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी करें फिर से एक बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास था हम इस टाइमिंग कर चुके हैं लॉन्ग में खिलाड़ी पकड़े गए और इसी के साथ और एक विकेट गिरता हुआ गॉन सातवा विकेट गिरता हुआ बैक टू दी पवेलियन थैंक यू क्रिएटीज थैंक यू वेरी मच अब देख रहे हैं बीच मैदान में जिस प्रकार से ये माहौल बन रहा है गेंद और बल्ले में जड़ा है जंग चढ़ा है मारवाड़ कप का रंग कहीं न जाइए जुड़े रहे हमारे संग मिलकर हम सब हो जाएंगे मारवाड़ कप 2023 ميدंग आज का दूसरा दिन का पीस शानदार माहौल चलता हुआ सातवां विकेट जा चुका है 55 के ऊपर अब इस समय 7 ओवर का खेल समाप्त प्रतीक ओसवाल जो कि नए बल्लेबाज और उनके साथ में अमित जैन इस समय के बीच मैदान में दिशा से पहली गेंद और दी विकेट से आउट साइड गेंद थी थ्रू द कवर खेलने का प्रयास गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हम पर का सिग्नल व्हाइट बॉल का अतिरिक्त रन मिलता हुआ मिस्टर एक्स्ट्रास के रूप में और इसी अतिरिक्त रन की मदद से अब रन संख्या छप्पन रन सात विकेटों के नुकसान पर अब तक छप्पन बन चुके हैं आखिरी छह गेंदों का खेल अभी भी शेष है गेंदबाज फिर से एक बार तैयार रजत ओसवाल स्ट्राइकिंग गेंद पर अमित जैन सामना करने के लिए तैयार फिर से आउट साइड ऑफ स्ट्रम चले गए थे काफी सफल हो चुके हैं और सफल होने के बाद कवर्स में खेलने का प्रयास था लेकिन फॉलो किया था अच्छी लाइन के साथ इस गेंद को पूरा करते हुए बिंदी गेंद रनों की कोई गुंजाइश नहीं है अब आखिरी पांच गेंदों का खिलसे छप्पन सात विकेटों के नुकसान पर आखिरी और कुछ पांच गेंदों का रन नहीं है पहली गेंद पर हालांकि जरूर वाइड गेंद थी वहां पर एक रन खर्च गया उसके बाद की वापसी हो रही वेलकम बैक या कम बैक यहाँ पर कम बैक हो रहा है अच्छा कम बैक होता हुआ रन संख्या छप्पन रन सात विकेटों के नुकसान पर गेंदबाज रजत ओसवाल ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड क्रिकेट का और एक बड़ा प्रतियोगिता इस समय खेल खेल रहे रहे कप में एक बड़ा मंच मंच है और बड़े मंच पर Check आज के दिन में कवर खेलने का प्रयास था वहां पर फील्डर मौजूद है कवर पॉइंट में जब तक एक गेंद को फील्ड कर रहे इस बीच दूसरे का प्रयास जरूर था लेकिन सुरक्षित रहेंगे अपने क्रीज पर

आगे डलने का प्रयास उसके बाद की लाइन को मिस कर रहे लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके अगर लाइन से भटक जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर बड़े स्ट्रोक आ सकते हैं कम बैक अच्छा था लेकिन उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष जारी इस समय गेंदबाज के द्वारा फिर से आगे डालने का प्रयास ब्रोकॉल में गेंद डालने का प्रयास था बैकआउट ऑफ द पॉइंट में गेंद जाती है भाई वहां पर फील्डर जब तक ये गेंद को फील्ड कर रहे इस बीच एक रन मिलता हुआ सिंगल मिलता हुआ सिंगल के साथ अब फिफ्टी नाइन Run, के नुकसान पर पहली पारी का खेल इस समय की जारी काफी शानदार माहौल और इस बीच मारवाड़ बीच मैदान में चलता हुआ। अभी के है, कवर और कवर के से था में है, एक रन पूरा किया दूसरी की मांग है जब तक कि थ्रो कर रहे हैं इस बीच दो रन सही संतुलन के साथ अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दर्शनीय स्ट्रोक था बैक फुट पर चले गए थे कॉपी बुक स्टाइल से खेला था दो रन दो रन के साथ इकसठ रन सात विकेटों के नुकसान पर काफी शानदार माहौल चल रहा है अब पारी के आखिरी आखिरी ओवर की गेंद शेष कदमों का इस्तेमाल करने के बाद मिड ऑफ ऑफ के के ऊपर से खेलना चाहते थे लॉन्ग खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर जा रहे हैं गेंद को उन्होंने गलती की उसके बाद की गेंद को समझ नहीं पा रहे थे उनको लगा था शायद गेंद आगे निकलेगी लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गलती होती हुई आखिरी गेंद पर रन मिलेंगे तीन, तीन रन के साथ इस पहले पारी का खेल समाप्त होता रन संख्या कुल मिलाकर चौसठ रन सात विकेट के नुकसान पर चलते हैं थोड़ा सा स्कोर बोर्ड की तरफ करेंगे पहले पारी का ये स्कोर कार्ड जिस प्रकार से हम देख रहे मांडवली पैंथर्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अनुज टीम के कैप्टन है कप्तान के रूप में बीच मैदान में, में पहुंच चुके थे छह गेंदों के बाद ग्यारह के ऊपर आउट हो चुके थे भाविन ओसवाल ने तेरह गेंदों का सामना किया तेईस रनों की काफी शानदार पारी खेली सेंसिबल क्रिकेट खेल चुके हैं करण गांधी तीन गेंदे दो रन चैतन्य बापना आठ गेंदों के बाद चार रन दीपक ओसवाल एक, एक गेंद कोई रन नहीं था अमित जैन नौ गेंदों के बाद दस रन और मयूर गांधी दो गेंदे कोई रन नहीं है और इसी प्रकार अगर चर्चा करें सॉरी टू इंटरप्ट इंटरप्ट यू गोपी सर सॉरी टू इंटर टोटल स्कोर टोटल प्लीज चौसठ रन बन चुके 64 और का इस समय की मैच को जीतने के लक्ष्य है मैं यहाँ पर रुकता हूँ चलते हैं उसके बाद जुड़ेंगे थैंक यू गोपी जी गोपी भाई एवरी वन टॉस फॉर द नेक्स्ट मैच एंड ये हाइएस्ट टोटल बन चुला है आज के दिन का जिसको बनाया है मांडोली पैंथर्स ने सो सिक्सटी फोर रन दाइएस्ट टोटल ऑफ द डे make by any team so mandoli panthers looking good now toss for the next match we are requesting the captain of team posalia आवाज, आवाज कर दो भाई अच्छे यार साउंड वाले भैया कर दो या तो दो चार स्पीकर्स और रखवा दो जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं कैप्टन कैप्टन आ जाए प्लीज थैंक यू डीजे कैप्टन पोसालिया स्टार्स एंड शिवगंज लॉन्स फोसालिया के कैप्टन शिवगंज कैप्टन तुरंत इनिंग ब्रेक हो उसके पहले आ जाए करें प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द टीम्स टू ऑल द वंस द फर्स्ट इनिंग गेट्स ओवर वी विल हैव टॉस फॉर द नेक्स्ट मैचेस सो गेट दिस इन काोटिस एंड रिक्वेस्टिंग कैप्टन प्लीज वंस फर्स्ट इनिंग गेट्स ओवर वी आर हैविंग टॉस फॉर द नेक्स्ट मैच So get ready. Captains, captains, make it fast.

भाई ना रितेश भाई रितेश भाई रितेश भाई, रितेश भाई रितेश भाई रितेश भाई सो रितेश भाई हमारे साथ, हमारे साथ साथ है टॉस के बॉस ही मारवाड और वी ओके कुणाल भाई गौरव जी ओके ओके सो गौरव दॉल एवरी गौरव विल टेक द कॉल रितेश भाई प्लीज डू द कॉल एंड

और 100 परसेंट हमारे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि हाफ ऑफ द प्लेयर के साथ हम साल भर खेलते हैं और वो कैसे खेलते हैं हम कैसे खेलते हैं एक दूसरे का सब पता है बट एट एट द एंड ऑफ द डे किसका दिन अच्छा होता है पता नहीं कुणाल ये जो आपकी हम्बल है शायद ये ही आपको मैच में और अच्छे से आगे रखेगी यू नो गौरव भाई कैसे देख रहे हैं अपने ओपोनेंट को कैसे देख रहे हैं इस टीम को टीम पोसालिया स्टार्स को they are a very nice team and uh, we've been playing with them since years and uh, a bit uh, strategic uh, interview would be there on the ground and we would like to go with the full strength uh, we will try to uh, give a good target a handsome target which we will be able to defend and our boys are looking extremely good and fit let's see what happens as being organizing committee member and the captain of the team also so are you feeling some extra pressure Pressure? Not really, because uh, we've been uh, in this scenario many of the times. Uh, but uh, we are not uh, going in a very, uh, you know, what we call—I know—a uh, very good team on the side, opposite side. But we are trying our level best to match the uh, competition of the tournament, and we'll uh, look forward for a great match ahead. फ्यू ऑफ योर कमेटी मेम्बर्स दे आर फ्राम शिवगंज ऑनली दे आर नॉट प्लेइंग इन प्लेइंग इलेवन एंड देर कंप्लेनिंग मी लाइक सर हमने खेल रहे हैं तो कप्तान ने बाहर कर दिया है तो ये कितना ये जब अब आपस के सब भाई लोग ही हों कमेटी में सो और कितना मोटिवेट करता है गौरव मोटिवेट बहुत करता है दिन से इट फील्स लाइक इट्स अ फैमिली है एक्चुअली एक दूसरे की खिंचाई करते हैं मजाक करता है बट वी आर अवेयर दैट वो हमारे बैक सपोर्ट में बहुत अच्छे से हमारे साथ है तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है हमारे पर Thank you so much, Captain. All the best. Kindly shake hand. Thank you, thank you. So that's Kunal and Goro for you. Thank you so much, Ritesh, everyone. That's all from here. Toss F1 by team. Posalia stars. And Posalia stars doing fielding? Yes, fielding. Thank you. Target Gopi bhai 65. Ka hai na? 65 है ना टारगेट स्टाइल में ड्राइव किया गया है सिंगल मिलेगा आराम से so, पहले बैटिंग करते हुए मांडोली पेंथर्स ने 64 बनाया 65 का टारगेट घाने स्पोर्ट्स ग्रुप के लिए उनके टीम के लिए और अभी तक अगर रनों पे आप नजर डालें सो so, रन जा पहुंचे हैं पांच रन फर्स्ट ओवर है की शुरुआत इस सिंगल के साथ छः पे पहुंचेगी टीम घानेर घनेर स्पोर्ट्स ग्रुप बॉलर नेम प्लीज संबडी प्लीज हेल्प करण करण है बॉलर वाइट दिस टाइम एक्स्ट्रा विल बी एडेड इन टोटल अकाउंट एंड स्कोर विद हेल्प ऑफ दैट सिंगल मूव्स टू सेवन में किसने बॉल किया था भावेशस्तवाल बॉलर टू बोल फर्स्ट ओवर जितेश हैं स्ट्राइक पे व्हाइट कैप में आपको नजर आ रहे हैं दीक्षित नॉन स्ट्राइक एंड पे करण है इस ओवर में। ओ, किनारा लगा था और अब था लेकिन आ, लैंड हुआ सेफली फ्लाइंग स्लिप जरूर है लेकिन उनकी रीस से बहुत दूर थी गेद किनारा और कहीं ना कहीं भाग्य का भी सहारा किस्मत जरूरी है किस्मत बॉलिंग अच्छी थी कोशिश अच्छी थी गेंद बहुत ज्यादा खराब नहीं थी यहां थोड़ा व्यत जरूर था वहां पे और फायदा उठाया गया उसका पावर प्ले का ये मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर एंड मिलेगा ये चौका इस दफा थोड़ा हेलीकॉप्टर फील्डर है एंड हेलीकॉप्टर लैंड होगा सीधा लॉन्गॉन के फील्डर के हाथों में विकेट नंबर वन सो so, पहला नुकसान पहला विकेट घान स्पोर्ट्स ग्रुप को आउट हुए दाइनाथ के बल्लेबाज जितेश आवेश थे फील्डर जिन्होंने कैच लिया जबरदस्त कैच फिर से मौका था फिर से चांस था ये मौके जो हैं ये जो कैचेस हैं आपको पकड़ने हैं कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में हजारों बार आप सुनते हैं थोड़ा सा अगर और बेहतर एफर्ट होता तो एक और विकेट का मौका था लेकिन अगर ऐसा होता तो ऐसा होता जो बीत गई वो बात गई दो समाप्त हुए 65 को चेस करते हुए सेकंड इनिंग में घाने स्पोर्ट्स ग्रुप के रंस जा पहुंचे हैं ट्वेल्व रन सो सेवन रन फ्रॉम सेकेंड ओवर पांच रन पहले ओवर में थे सो बारह रन और एक विकेट के नुकसान पर चले मांडोली पेंथर्स के टीम ओनर से कुछ बातें करें राजकुमार राठौर साहब

आज जो भी प्लेयर आगे के उनको मैं एक आ, मैसेज देना चाहूँगा है ताकत तो मारो वरना आप ग्राउंड स्ट्रोक से भी पॉइंट बना के आप बना सकते स्कोर सर से थोड़ा सा माइक मैंने दूर किया क्योंकि बॉलर वहाँ पे बॉल डिलीवर करने जा रहे थे फिर से बातें करते रहेंगे कंटिन्यू रखेंगे ये 16 रंस uh, 13 रन अभी का पार्टनर इन 2.1 13 रन सिंगल के साथ प्रती गोस्वामी इन थर्ड ओवर प्रतीक आपको नजर आएंगे बॉलिंग के लिए स्कोरस ध्यान देंगे प्रतीक है बॉलर प्रतीक same line, same line. अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है टीम मांडो देखिए बाउंड्री बड़ी है सर बाउंड्री बड़ी है अगर डीप में खेल रहे हैं तो दो रन मिल जाएंगे क्योंकि बाउंड्री बड़ी है ये जो सबसे खास बात यहाँ पे जो आपने टीम के ओनर के राजेश साहब को आपने सुना इस दफा फिर से सिंगल मिलेगा राजेश भाई थोड़ा मारवाड़ कप के बारे में बताइए टूर्नामेंट कैसा है पूरे अपने राजस्थान को पूरे मारवाड़ को पूरे जैन समाज को कनेक्ट करने की जो कोशिश है मारवाड़ कप सीजन टू में कैसा लग रहा है आपको सर मारवाड़ कप मैंने दो साल बाद लेकिन मारवाड़ कप की जो शान है और जो खेलने का मजा जो प्लेयर्स को आ रहा है जो हमारे जैन समाज में कैसा कि बहुत सारे लोग इसमें नहीं लेकिन आजकल इसकी वजह से अभी प्लेयर्स को भी इम्पोर्टेंस आ रहा और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आगे आ रहे हैं और उसका देखा जाए तो रामसिंह में से जो ऋषभ राठौड़ है जो खेलते थे आज अभी महाराष्ट्र के वो विजय हजारे आ, अली सब खेल रहे हैं। so opportunity, opportunity, bomb, का, दे रहे हैं दे वो है गैप में है फिल्डर से ना खुश है गेंदबाज तो और शायद भाविन भी क्या पहुंच सकते थे या बैकअप पे आ सकते थे फील्डिंग की बातें बार बार होती है फील्डिंग बहुत जरूरी है क्योंकि गेंदबाज अगर क्या करेगा बॉलर्स को तो बॉल करनी है जो फील्डर्स हैं, वो आप इसीलिए हैं कि उस गेंदों को रुकाएं, थोड़ा बेटर एफर्ट की जरूरत थी चार रन फिर से फिर से अच्छी बैटिंग अच्छी बैटिंग अब अच्छे लग रहे हैं दोनों ही बैटर्स घनेर स्पोर्ट्स ग्रुप के 65 का टारगेट दो ओवर में 12 रन ही थे लेकिन इस ओवर तो में रनस आए हैं अच्छे ठीक ठाक मेरे साथ स्कोर सेल्फ करते हुए ट्वेंटी टू रन सो दस रन पिछले ओवर से टेन रन फ्रॉम थर्ड ओवर ट्वेंटी टू क्या लग रहा है राजेश राठौर साहब दी प्राउड टीम ओनर ऑफ टीम मांडोली पैंथर्स कि जो चेज है ये लग रहा है आपको कि आपकी टीम आराम से डिफेंड कर रही है आपको लग रहा है कि यार थोड़ा क्लोज लग रहा है मैच आखिरी तक जा सकता है जिस तरीके से घरे राव के बल्लेबाज खेल रहे हैं नहीं नहीं ये बात सही कि दोनों टीम सेम है दोनों इक्वल है लेकिन क्रिकेट गेम ये जो सेवन ओवर का एट ओवर्स का है आप जानते हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है सो वी सोकांश से जब तक पाँच छः ओवर नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते लेकिन वी आर ट्राई वागुली टीम के बॉलर्स अच्छे हैं दे आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड हम जीतेंगे जरूर ये इतना मुझे लगता है बिलीव इज एवरीथिंग विश्वास है तो भगवान शंकर नहीं तो कंकर राजेश जी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अब देखना है उनके प्लेयर्स उनके बॉलर्स कैसा काम करते हैं दो ओवर में बारह रन था तीसरे ओवर में दस रन आए तीन ओवर में अब ट्वेंटी टू रन है अब और पांच ओवर आने बाकी हैं सिक्सटी फाइव का टारगेट है दैट मीन्स और फोर्टी थ्री की जरूरत है इन तीस गेंदों में तीस गेंदें तिरालीस रनों की जरूरत स्कोरर्स करेक्ट मी फाइव गो रॉन्ग अपील अपील की जा रही है लेकिन आ, शायद कोई करेक्शन नहीं है कोई असर नहीं है सिंगल हाथ सिंगल सिंगल आराम से लाइट हैंडेडली खेला गया अब देखिए दो चीजें हैं यहां पे एक तरफ जहां पे पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है घानेर स्पोर्ट्स ग्रुप के लिए और वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आप मांडोली पेंथर्स के लिए देखें दो वर्ष शुरुआत के बहुत अच्छे थे दो वर्ष में बारह रन खर्च किए गए थे एक सफलता भी अर्जित हुई थी लेकिन अब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है घानेर स्पोर्ट्स ग्रुप की तरफ बाहर जाती हुई गेस से छेड़खानी करने के जुर्म में गिरफ्तार दूसरी विकेट अभी अभी हम तारीफ कर रहे थे लेकिन दिस इज कॉल्ड कॉमेंटेटर कर्स दूसरा बल्लेबाज गवा बैठी अपना रॉय स्पोर्ट्स ग्रुप और तब जब ये दोनों बैटर्स अच्छे लग रहे थे जितेश आउट हुए सात रन बना के बाहरी किनारा बल्ले का या देख रहे ना की का एक बड़ा बोझ लेके जितेश वापस गए करण ने दिलाई यह सफलता अमित स्टम के पीछे जिन्होंने कैच लिया पानी मांग रहे हैं इस ओवर के बाद पानी पहुंचा दे शायद ये बाहर है ज्यादा बाहर है ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर है एक्स्ट्रा है कुछ और जेंटलमैन कुछ और गेस्ट हमारे साथ कुछ और लोग जज जिनेन्द्र यस सर जय जिनेन्द्र साहब नहीं नहीं देखे अपील करें डराए धमका इनाम पैर को और जिस तरीके से अपील कर रहे हैं आप कीपर साहब आवाज भी आपकी क्या ही कहे बिना माइक कितने खतरनाक लग रहे हो आप अमित जी हैं कीपर फिर से हवा में गेंद है खराब क्रिकेट खराब क्रिकेट यहां पे घानेराव से घानेराव स्पोर्ट्स ग्रुप तीसरे ओवर में स्थितियां ठीक हो गई थी सिचुएशन अब बेहतर हो गया था बीस बाईस रन बन गए थे तीन ओवर के बाद लेकिन उसके बाद ये दो विकेट विपुल भाई आउट हुए रुचित रुचित साकरिया रुचित साकरिया गए हैं मिडल में कुछ बातें करते हैं घानेराव के प्लेयर्स से उनके डगआउट में और सर रजत कैप्टन रजत थोड़े से अब टेंस लग रहे हैं तीन ओवर्स के बाद 22 टू वहां पे आपने दो विकेट्स गवा दिए रजत सिले विकेट्स तो भी सर पार्टनरशिप की जरूरत है इसमें आपकी टीम को रजत yes. पार्टनरशिप साझेदारियां ही जीत का रास्ता तय करती हैं ये बेहतर शॉट है प्योर टाइमिंग टाइम किया गया दो रन तो कम से कम शायद मिल जाएंगे या नहीं नहीं अच्छी फील्डिंग बहुत जबरदस्त फील्डिंग अच्छी लग रही है टीम मांडोली पैंथर्स ओवर कंप्लीट हुए एक और ओवर कंप्लीटेड चार ओवर्स के बाद ट्वेंटी फाइव सिर्फ तीन रन आए क्या पिछले ओवर से ओनली थ्री ग्रेट बॉलिंग सिर्फ तीन रन दिया पिछले ओवर में बॉलर करण ने सिर्फ तीन रन कंसीड किया ट्वेंटी फाइव हो चुके हैं अब चार में चालीस की जरूरत है 4 40 yes, 24 बॉल्स, 40 आ, मौका था चांस था फिर से एक दफा थर्ड अंपायर तीसरे की तरफ गए हैं रन आउट का यहाँ पे चांस था सो so, ऑन फील्ड अंपायर ने रिफर किया है थर्ड अंपायर को इस ओवर की शुरुआत के, के पहले अब चौबीस पे चालीस की जरूरत थी 24 बॉल्स 40 रन्स नीडेड रिक्वायर्ड यहाँ पे कुछ सिंगल्स आए हैं उसके बाद ये रन आउट का रिफर इस मैच के बाद जो मैच नंबर फोर होगा मारवाड़ कप प्राइड ऑफ मारवाड़ प्रावर्ड बाय राणावत ग्रुप का वो मैच खेला जाएगा शिवगंज लैं प्लेयर्स तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अंपायर्स का डिसीजन आना बाकी है एंड अंपायर्स का डिसीजन आउट का आ चुका है कैप्टन रजत पानी लेके गए थे अब वो भी कुछ एक मैसेज भी रहा होगा कि अब यहाँ से कैसे अगर ये विकेट नहीं चाहता है लेकिन उनको भी पता है कि हमने एक और बल्लेबाज अपना कमा दिया है हर्ष अब नए बैटर आपको नजर आएंगे बहुत जल्द मांडोली यहाँ पे जबरदस्त गेम में बने हुए हैं क्योंकि विकेट्स लगातार हासिल हो रहे हैं दीक्षित आउट हुए दीक्षित हर्ष हर्ष बैटर, हर्ष बैटर साकरिया साकरिया ज़्यादा इस टीम में जबरदस्त जबरदस्त खूबसूरत वेलकम बाउंड्री मिलती हुई टीम घने स्पोर्ट्स ग्रुप को ये चौका बहुत जरूरी था अ मच नीडेड बाउंड्री फॉर घने स्पोर्ट्स ग्रुप रुचित के बैट से वो चार रन आए एंड स्कोर पे नजर डाले स्कोर so चुका है थर्टी वन थर्टी वन रन इस दफा सफल होकर ऑप्शन के पास आए थे पहले ही रूम बना लिया गया था टू पे रन पहुंचते हुए इन थर्टी टू रन अभी भी अगर आप देखें सो थर्टी थ्री की जरूरत है अच्छी बॉल यॉर्कर का जड़ में कोई रन नहीं पांचवें ओवर में है मैच इस समय इस ओवर के बाद तीन ओवर ही बचेंगे अच्छा हिट अच्छा हिट डीप में फील्डर है स्वीपर कवर में एक रन कंप्लीट और एक से ही क्या खुश होना पड़ेगा जी हां सो सिंगल एंड सो फाइव बीन बोल्ड एंड हैं थर्टी थ्री 33 सो so 32 मोरे रन रिक्वायर्ड इन लास्ट 18 बॉल्स गे 18 गेदे 32 रनों की जरूरत 18 बॉल्स 32 रन्स सो so, घनेरॉय स्पोर्ट्स ग्रुप 18 पे 32 बन रहे हैं या फिर बच रहे हैं बन रहे बन रहे बन रहे हैं। हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा कह तो रहे हैं सभी प्लेयर्स हो जाएगा लेकिन अब पता नहीं ये दिल से कह रहे हैं या फिर माइक्रोफोन पे बोलना पड़ सर कॉन्फिडेंट है आप लोग अठारह पे बत्तीस अभी तक तो है अभी तक तो है एटीन बॉल्स थर्टी टू रंस आकाश है बॉलर हर्ष है स्ट्राइक पे ओह oh, रन्स oh, तो जरूरी है कहीं से भी आए कुछ ये मोमेंट्स जो हंसा तो रहे हैं सभी को शायद दिल ही दिल में हंस रही होगी के भी सपोर्टर्स उनके टीम जिस अंदाज से चौका गया ये जलवा ही हर्ष का हर्ष कह रहे चौका लगाना चौका लगाना तो मेरे बैठ के पिछले हिस्से का भी मैं उल्टी बैट से भी चौका लगा सकता हूं हर्ष इस बार ये वाइड हाँ देखिए चार लगते ही ना आवाजें आनी शुरू हो गई अब ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं काफी बेहतर फील कर रही है टीम ये होता है जब आपको बाउंड्री मिल जाए चेज में इस दफा कदमों का इस्तेमाल क्रॉस फुल स्विंग किया गया बैट का कनेक्शन नहीं हुआ अपील भी हमने सुनी हाउज दैट डॉट बॉल ये फील्डर है तो शायद दो तो नहीं मिल पाएंगे अच्छी थ्रो अच्छी फील्डिंग अगर आप देखें तो मैच बना हुआ है दोनों ही टीमों के लिए इस ओवर में वो चौका एक वाइड सिंगल्स बाउंड्रीज के लेकिन अभी तलाश है अगर आप टीम घाने वाला स्पोर्ट्स ग्रुप के सपोर्टर्स हैं तो आप चाहेंगे कि इस ओवर में कम से कम एक और चौका बाउंड्री या सिक्सर एक जरूरी है ये पैडल स्वीप करने की कोशिश फाइनल फील्डर है सिर्फ एक सिंगल मिलेगा तो बॉल टू तो रन की अगर बात करें तो मेरे साथ स्कोरर्स बताते हुए कितनी बॉल पे कितने रन बनाने हैं बॉल टू तो रन 14 बॉल्स 25 फाइव रन चौदह गेंदों में 25 की जरूरत अब ये सिंगल, सो तेरह गेंदे एंड चौबीस रन थर्टीन बॉल्स एंड ट्वेंटी फोर रन So, चेज तो मजेदार होता हुआ ये आज के दिन का अगर आप देखें सो so, एंटरटेनमेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो ये मैच किंग अभी तक दोनों टीमें मैच में बनी हुई हैं बनाए हुए हैं इस मैच को वाइट तो दे दिया एम्पायर ने सो so, अभी ये जो आखिरी गेंद थी अभी भी बाकी है करना होगा एक रन और कम सो so, अब तेरह गेंदों में ट्वेंटी की जरूरत है थर्टीन बॉल एंड ट्वेंटी थ्री रन तेरह 23 तेईस रन और ये गेंद फर्नीचर डाउन है फर्नीचर डाउन विकेट यहां पे मिलता हुआ इस छठे ओवर के लास्ट बॉल पे सो so, अंतिम की बारह गेंदे एंड बारह गेंदों में ट्वेंटी थ्री की है जरूरत घनेर स्पोर्ट्स ग्रुप को इस मुकाबले को इस मैच को जीतने के लिए वो कौन सी जो टिक सके कमान पे नजर भला वो कौन सी जो टिक सके कमान पे हाँ देख दृश्य आज का दहाड़ सिमनाद का नजर भला वो कौन सी जो टिक सके कमान पे हाँ देख दृश्य आज का बारह गेदे बारह गेदों में तेईस की है जरूरत नए बैटर जैकी गए हैं रुचित आउट हुए बाविन के पास ये गेंद है बारह गेंदे हैं तेईस रन बचाने के लिए है बारह पे तेईस मांडोलीस को डिफेंड करने को बाईस रन शॉर्ट पिच बॉल थी शोल्डर का इस्तेमाल कंधे का यूज किया गया टाइम इतना अच्छा नहीं जितना चाहते थे हर्ष और अब जैकी है स्टाइल पे इलेवन बॉल्स एंड ट्वेंटी टू रन रिक्वायर ग्यारह पे बाईस ग्यारह के दें बाईस रन देखिए सिक्सटी फोर्टी अगर आप मुझसे पूछें तो थोड़ा सही सही लेकिन फिलहाल ड्राइविंग सीट पे है मांडोली पेंथर्स लेकिन अगर ऐसे शॉट लगेंगे तो बहुत जल्दी ड्राइविंग से वो पैसेंजर सीट पे आएगी घानेरा स्पोर्ट्स ग्रुप के नए बैटर जैकी के इरादे कुछ अलग है तलक है पहली बॉल पर ही मिलते हुए चार रन बाउंड्री ऑन द फर्स्ट बॉल एंड वॉट अ ग्रेट टाइम एंड मोमेंट टू ओपन द अकाउंट हेलो हटीन की जरूरत है अब इस सिंगल के बाद सेवेंटीन रन रिक्वायर्ड तेईस की जरूरत थी इस ओवर की शुरुआत की नाइन बॉल्स एंड सेवेंटीन रन नौ गे सत्रह रन भावन की की गेद ये नो no बॉल भी है बॉल no है यहाँ पे थोड़े से मौके मिलते हुए क्या ये कुछ वो मोमेंट्स जहां पे एक कदम लड़खड़ा रहे हैं मांडोली पेंथर्स के गेंदबाजों के फ्री हिट होगी नेक्स्ट बॉल अब सोलह रनों की जरूरत है नाइन बॉल्स नाइन बॉल्स सिक्सटीन रन नौ पे सोलह फ्री हिट की बॉल फ्री हिट की बॉल और फ्री हिट की बॉल पे कोई रन नहीं नहीं देखिए हम जैन समाज के लोग हैं बल्लेबाज ने बताया कि हमको मुफ्त की कोई चीजें पसंद ही नहीं है ना फ्री की चीज हमको कहाँ पसंद आती है नहीं नहीं इस बॉल पे देखो इस बॉल पे कुछ इस बार थोड़ा सा डांसिंग डांस विकटों पे लेकिन जस्ट सिंगल अब जैकी से वो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है टीम मांडोली पेंथर्स को चूंकि ये पहली बॉल पर ही चौका लगा चुके हैं जैकी को आप देखें तो इनको देख के ही लगता है कि बड़े शॉट खेलने के लिए बने हैं बने ये क्या ये कितने रन कितने रन क्या सिंगल लेके जैकी अपने पास स्ट्राइक रखेंगे जी हाँ ये सिंगल स्ट्राइक फिर से जैकी के पास होगी लास्ट सिक्स बॉल्स एंड फोर्टीन रंस गेंदे छोरटीन टू विन द मैच टू क्रॉस द लाइन फॉर टीम घने स्पोर्ट्स ग्रुप छह गेंदे दें छे में फोरटीन की जरूरत दोनों बैटर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बातें करते हुए एक बात याद रखें कि जिंदगी में जो भी अच्छा करना है अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो या तो जी जान लगा दो या तो जाने दो थिंक यू कैन यू आर हाफ वे देयर सबसे पहले आपको बिलीव होना बहुत जरूरी है बिलीव एंड बिलीव बिलीव यू कैन यू आर हाफ वे देर अगर आप बिलीव करते हैं, सकते हैं तो आप करेंगे छ पे चौदह सिक्स वॉल फोर्टीन रिक्वायर्ड इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन इफ यू थिंक यू कैन नॉट देन यू कैन नॉट सिंपल एज इट इज है ना सर बट एक बात ये भी कहते हैं ना कि नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू मोटिवेट योर सेल्फ अब यहां से आलोक लाख बोले टीम वाले मोटिवेट करें लेकिन जो दो बैटर्स खड़े है, हैं करना तो उनको ये सर सिक्स बॉल्स फोर्टीन रन अब बेचारे इतने कंफ्यूज हैं डग आउट में कि मैंने कम से कम चार बार बोला है छह पे चौदह तो अभी भी बेचारे सिक्स पे फोर्टीन कैन जैक डू दिस क्या ये कर सकते हैं जैकी याद रखें मुझे गैंगस्टर मूवी का ना वो डायलॉग याद आता है जहां पे गैंगस्टर कहता है जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका है अपना जलवा दिखाने का सिक्स बॉल्स फोर्टीन रन कम ऑन जैकी हीरो से सुपर हीरो बनने का आपके पास पूरा मौका है जैकी सिक्स बॉल्स फोर्टीन रन पहली बॉल पहली बॉल पे खुश होंगे खुश होंगे अगर गेंदबाजी साइड की बात करें मांडोली पैंथर्स कौन डाल आ, दीपक, दीपक।, दीपक है इस ओवर में दीपक है, अपना, अपना है। अगर अपनी टीम की दिए को जलाए रखना है तो दीपक को अच्छा करना है पांच पे तेरा अच्छी लेंथ बहुत जबरदस्त लेंथ सीधा जड़ में जय की सिंगल लेना चाहते थे मना किया उनके पार्टनर ने हर्ष साकरिया हर्ष हर्ष जय जय जै। ये जयकार हो सकती है हमारे इस हर्ष की भी अगर ये कुछ क्या ये बड़ा शॉट है क्या यह सिक्सर है क्या यह सिक्सर है जी इसी बात का जिक्र अभी इस बॉल के पहले मैं कह रहा था कि ये जयकार हो सकती इनकी भी हर्ष की भी इन्होंने करके दिखाया पे खिलाड़ी थे थैंक यू डीजे थैंक यू डीजे सेवन की जरूरत है सात रनों की गेदे बची है तीन तीन पे सात दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला है ये मैच फास्ट है सभी की और ये ये कैच ड्रॉप किया गया है वो भी कैच किसका हर्ष का दो गेंदें अभी बाकी हैं दो पे छह की जरूरत है वन बिग स्टॉक एक बड़ा हिट वन बिग हिट अवे कैन जैकी डू दिस दो पे छह की जरूरत टू बॉल्स एंड सिक्स रन रिक्वायर्ड अगर सिक्सर आ चुका है सिंगल से भी बहुत जबरदस्त लेंथ और रुकना था रुकना था जैकी आपको अगर स्ट्राइक देना चाहते थे तो आपको रुकना था उनको आने देना था ये थोड़ा सा जो गेम अवेयरनेस है ये थोड़ी सी कमी नजर आई जैकी से हालांकि वो चौका इन्होंने पहली बॉल पर ही लगाया था उसके बाद बैटिंग का जो इन डेप्थ है इनमें या टीम की भी अगर बात करें तो भी उन्होंने दिखाया सो so, अब लास्ट बॉल एंड अपनी उम्मीदों को इस मैच में इस मैच को जीतने के लिए छे की जरूरत है एक पीछे आखिरी गेंद छह रंस क्रिकेट के खेल में ये सबसे बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा सिक्सर का अगर इस मुकाबले को जीतना है टीम खाने स्पोर्ट्स ग्रुप को लेकिन दोस्तों क्या मैच हुआ ये मारवाड़ कप सीजन टू के आज इस दूसरे दिन का ये तीसरा मैच मांडोली पैंथर्स वर्सेस घने रॉय स्पोर्ट्स क्लब पहले 64 बनाए गए मांडोली पैंथर्स से अब रॉय स्पोर्ट्स ग्रुप को आखिरी गेंद छ की जरूरत और नए बैटर स्ट्राइक पे हैं भावी नोस्वाल लास्ट बॉल सिक्स रन सर कितना एक पे कितना है स्कोर छे ना अगर मैं बोल दूं तो उसको आंख बंद करके बिलीव कर लिया करो जितने लोग यहां पे हो हम पे शक ना करो एक पे छे आ, गे तो रेंज में थी लेकिन यहां पे शायद वो सिंगल्स सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है अ वेरी वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर टीम मांडोली पैंथर्स बट वेल फॉट टीम घनेर स्पोर्ट्स ग्रुप इस तरीके की जो ये शिकस्त है ये शिकस्त नहीं है आप हेड आपका हाई रहेगा वेरी वेल प्लेड घनेर स्पोर्ट्स ग्रुप एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन मांडोली पैंथर्स दे वन दिस मैच बाय फोर रन नेल बैटिंग फिनिश एवरी वन दिस इज मारवाड कप प्राइड ऑफ मारवाड़ पावर्ड बाय राणावत ग्रुप सिक्स वो कौन सी जो टिक सके कमान पे तुरंत चलेंगे प्रेजेंटेशन के, 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 के लिए दोनों टीमों से गुजारिश है कि बैकड्रॉप के पास दोनों टीमें आएंगी प्लीज तुरंत अंकुश भाई प्रेजेंटेशन करते हैं ना रिक्वेस्टिंग टीम गाने एंड मांडोली बोथ द टीम्स काइंडली प्लीज कम टू अस द प्रेजेंटेशन एरिया एंड वन ऑफ आवर पोर्टेबल कैमरामैन प्लीज ज्वाइन अस